चंडीगढ़ में अभय चौटाला की मौजूदगी में रामपाल माजरा ने इनेलो का दामन थमा। इस बीच उन्हें इनेलो का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो वहीं अभय चौटाला ने कहा कि रामपाल माजरा के नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी। सरकार को तुरंत सरसों की फसल की खरीद शुरू करनी चाहिए और MSP के हिसाब से किसान को उसका पूरा पैसा देना चाहिए। जिस किसान ने बेच दी उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। हमारी नहीं बल्कि पार्टी के, हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उन सब की एक इच्छा थी कि माजरा जी को फिर से बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में सौंपी जाए ताकि संगठन को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। आज सबने एक फैसला लिया है और फैसले से चौटाला साहब को हमने अवगत कराया। उनकी भी जाती इच्छा थी कि पार्टी के प्रदेश की कमान अब माजरा जी को सौंपी जाए। आज जहां इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वहीं सुशील गुप्ता जी का कल एक बयान छपा था। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र से नहीं लड़ना चाहिए, वो बारी व्यक्ति है। छाज तो बोले सो बोले, छाजनी भी बोलने लगी। गुप्ता जी शायद भूल गए बेचारे कि वो कभी हरियाणा के थे, अपना व्यवसाय करने के लिए दिल्ली चले गए। मेरा कोई जाना नहीं, मेरा कोई आना नहीं, मेरा तो घर है। और मैं इस मौके पे मैंने सोचा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं, ऐसे मौके में किसानों के लिए इस्तीफा दे देने वाले, हरियाणा विधानसभा को ठोकर मार देने वाले, ऐसे मौके में हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज को हरियाणा की विधानसभा में बुलंद करने वाले, ऐसे मौके में कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे तुरंत से अभय सिंह चौटाला का साथ देना चाहिए।